Hello students, this video is the part 3 of tachometry surveying. If you haven't seen part 1 and part 2, links are given in the description box. Okay? And do not forget, write your comments if whatever you like or dislike. Okay? In this video, I will be discussing about tangential method. Tangential method is similar to trigonometrical leveling. There is quite a small difference. Okay, let us understand tangential method. Students, ये tachometry part 3 है. Tangential method हम इसमें discuss कर रहे हैं. Okay, तो tangential method basically trigonometrical leveling की आपको याद दिलाएगा, लेकिन यहाँ पर difference है. उस difference को ध्यान से समझना. जैसे मैं आपको बता दूँ, first case, यहाँ पर भी तीन case होने वाले हैं. First case में आपका elevation का case है, मतलब आपका जो Q है वो स्टाफ स्टेशन है और पी आपका इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है. क्यू जो कि स्टाफ स्टेशन है वो ऊंचा है और आपका इंस्ट्रूमेंट नीचे है, मतलब इंस्ट्रूमेंट नीचे रखा है और स्टाफ ऊंचाई पर है. क्लियर? तो आपको करना क्या है, यहां से अपने इंस्ट्रूमेंट पोजीशन से कोई दो स्टाफ रीडिंग को पढ़ना है. ये जो दोनों ब्लैक लाइन ऑफ साइट है, सेंट्रल क्रॉस हेयर वाली लाइन ऑफ साइट है, ये ना तो अपर है ना लोअर है, ये बात ध्यान रखना. यहां पर जो सेंट्रल क्रॉस हेयर की रीडिंग है, आपने एक बार ये पढ़ी और उसके साथ इसका एंगल भी पढ़ा. इसके बाद आपने एक बार टॉप पे कोई रीडिंग पढ़ी, उसके बाद आपने दूसरा एंगल एस अल्फा वन भी पढ़ा. क्लियर? तो इसका मतलब ये है, यहां पर अपर स्टडी या लोअर स्टडी की रीडिंग का कोई मतलब नहीं है. ये आप लाइन ऑफ साइट जो आपकी बाइसेक्ट कर रही है वो किसी फिक्स्ड इंटरवल पे या फिर हम किसी भी कोई भी दो पॉइंट स्टाफ पर कोई भी दो पॉइंट रीड कर लेंगे. उन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे, जैसे सपोज करो मैं आपको बताता हूं, आपने एक बार ये ब्लू पोजीशन देख रहे हैं, ब्लू पोजीशन में आपने ये रीडिंग पढ़ी, लेट अस सपोज दिस रीडिंग इज S2. एक बार आपने ऊपर साइड किया, ऊपर आपने साइड किया, ये रीडिंग पढ़ी, लेट अस सपोज दिस इज S1. तो आप कहेंगे सर S1 माइनस S2 हम करेंगे तो स्टाफ का जो दोनों लाइन ऑफ साइट के बीच का डिफरेंस है वो आ जाएगा S. तो S तो हमें नॉन हो गया, S हमें पहले से क्या हो गया, नॉन, ये फील्ड पर हमें पता है. अब सेकंड केस हम देखते हैं, इसमें हम करने क्या वाले हैं, यहां पर वही ट्रिग्नोमेट्रिकल लेवलिंग की तरह दो ट्राइंगल फॉर्म हो रहे हैं. दो ट्राइंगल कौन कौन से फॉर्म हो रहे हैं, अगर मैं इसे O मान लू, इस पर्टिकुलर पॉइंट को अगर मैं मान सकता हूं, सपोज लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज योर M और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं M और ये पॉइंट मैं मान लेता हूं N. क्लियर? तो मैं दो ट्राइंगल का जिक्र करने वाला हूं, सॉरी दिस इज योर M, दिस इज योर N एंड दिस पॉइंट कैन बी एज्यूम्ड एज T मान लेता हूं. इस टॉप वाले पॉइंट को मैं क्या मान लेता हूं, T. क्लियर? तो जब मैंने ये सब पॉइंट्स को कंसिडर किया तो मेरे पास दो ट्राइंगल मुझे नजर आ रहे हैं, दो ट्राइंगल मुझे नजर आ रहे हैं. पहला ट्राइंगल मुझे नजर आ रहा है ओ एम एन, पहला ट्राइंगल. इस ट्राइंगल में अगर मैं देखूं, इस ट्राइंगल की हाइट क्या है, वी, जो कि आप देख सकते हैं एम एन. इस ट्राइंगल में एम एन क्या है, बेसिकली हाइट है. और बेस कितना है, एम से लेकर ओ तक की डिस्टेंस, जो कि आपके पास नीचे देखो डी है. तो यहां पर बेस क्या हो जा रहा है हमारा, डी. तो डी हमारा बेस हो जा रहा है. तो आप फिर से वही कहेंगे सर, इस छोटे ट्राइंगल में टेन एल्फा टू देखें, ओ एम एन वाले ट्राइंगल में जो ये एंगल है एल्फा टू, टेन एल्फा टू आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर जो कि वी है और बेस जो कि डी है. तो यहां से आपके पास एक सॉल्यूशन है टेन एल्फा टू वी अपॉन डी. इसके बाद दूसरा ट्राइंगल कौन सा है मेरा, दूसरा ट्राइंगल है मेरा ऊपर वाला, जो ट्राइंगल में लिख रहा हूं ओ एम, ट्राइंगल ओ एम और टी. ओ एम बेस हो गया और एम से लेकर टी तक मेरा हाइट हो गया, लेकिन हाइट मेरा इस बार कितना है, वी तो यहां तक है और इसमें एस को मुझे एड करना पड़ेगा, वी प्लस एस. तो मेरे पास यहां पर परपेंडिकुलर हो जाएगा वी प्लस एस और बेस हो जाएगा डी. तो यहां पर टेन एल्फा वन लिखूंगा मैं, टेन एल्फा वन मेरे पास कितना आएगा, टेन एल्फा वन मेरे पास आएगा वी प्लस एस, ये तो हो गया मेरा परपेंडिकुलर और बेस हो गया मेरा डी. तो लगभग वही वर्क है जो ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग में था. इसके बाद अगर मैं आपको ये बताऊं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग में था लेकिन यहां पर हम स्टाफ की रीडिंग पढ़ के एस की वैल्यू सॉल्व कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्रिकल लेबलिंग में अलग कॉन्सेप्ट था. ओके, तो टेन एल्फा वन हमने निकाला, टेन एल्फा टू हमने निकाला, तो दोनों इक्वेशन से हम डी को रिप्लेस करा सकते हैं. किसे रिप्लेस करा सकते हैं, डी को रिप्लेस करा सकते हैं, वी को भी रिप्लेस करा सकते हैं. चलो मैं वी को रिप्लेस करा देता हूं, यहां इस वाली इक्वेशन से बताओ वी का वैल्यू क्या बनेगा. अगर आप लोग अपने आप कैलकुलेट कर रहे हैं तो आप कहेंगे सर वी का वैल्यू बन रहा है डी टेन एल्फा टू, और इस वी की वैल्यू को इस इक्वेशन में यहां पर रख देते हैं. तो फाइनली इक्वेशन को मैं इस साइड सॉल्व कर रहा हूं, आप कहेंगे सर टेन एल्फा वन
इक्वल्स टू डी टेन अल्फा टू, ये कहां से आया भाई, डी टेन अल्फा टू मैंने किसकी जगह पर रख दिया, वी की, वी आपने देखा यहां से था, प्लस स्टाफ की जो इंटरसेप्ट की रीडिंग है वो डिवाइड बाई डी। तो दिस इंप्लाइज दैट अगर मैं डी का वैल्यू को सॉल्व करने लगू तो डी इधर जाके टेन अल्फा वन हो जाएगा, ये वाला फिर उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो डी का वैल्यू आएगा एस डिवाइड बाई टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू। तो ये हमारा पहला सॉल्यूशन है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है, एस अपॉन डी टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू। और अगर वी हमें चाहिए तो वी का वैल्यू क्या है, डी टेन अल्फा टू, तो v बराबर हो जाएगा d tan alpha 2 के हिसाब से, यहां से देखो d का वैल्यू क्या रख देता हूं, d का वैल्यू रख देता हूं s upon tan alpha 1 minus tan alpha 2 multiply by tan alpha 2, तो ये मेरे पास v का वैल्यू आ जाएगा। और v का वैल्यू आने के बाद एलिवेशन डिफरेंस निकालना कोई मुश्किल काम है नहीं, क्यों आप कहेंगे सर एलिवेशन ऑफ q जो कि हमें निकालना होता है स्टाफ स्टेशन, एलिवेशन ऑफ q हो जाएगा एलिवेशन ऑफ p, तो जो p का एलिवेशन है उसमें फिर क्या ऐड करते हैं, उसमें ऐड करते हैं h, h करने से यहां तक पहुंच गए, उसके बाद लाइन ऑफ साइट आपकी इस पॉइंट तक कितनी है v, मतलब अगर आप यहां से v ऐड कर दें तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाएंगे, तो आप इसमें फिर ऐड कर देंगे v, और आपको q का एलिवेशन चाहिए तो v ऐड करने के बाद r को माइनस कर दे तो आप फिर से उतर के यहां जाएंगे, तो माइनस क्या करेंगे आप r। तो जैसे कि मान लिया ये 100 है, ये 1 है, ये v 10 है और r का वैल्यू फिर से 1 है, तो आप कहेंगे सर 100 तो यहां तक की ऊंचाई होगी डेटम से, ये वाली ऊंचाई 100 में आपने 1 ऐड किया तो 101 हो गए, 101 में फिर आपने 10 ऐड किया तो आपके पास 111 हो गए, आप इस लेवल पे 111 मीटर पर हैं, और फिर इसमें से 1 माइनस किया तो आप फिर से 101 माइनस करने के बाद 110 के लेवल पर आ गए, तो Q का RL क्या हो गया 110। तो इस तरह से आप एलिवेशन का फॉर्मूला देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है, क्लियर। तो ये हमारा पहला केस है, अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड केस की तरफ। तो केस टू आपका एकदम सिमिलर है केस वन के, बस अंतर इतना है यहां पर डिप्रेशन का केस है, यहां पर आपका पहला जो ब्लू कलर का लाइन ऑफ साइट है, दूसरा जो रेड कलर का लाइन ऑफ साइट है, दोनों के दोनों इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन से नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो डिप्रेशन का केस है यहां पर, डिप्रेशन एंगल हमने मेजर किए हैं रेदर देन आपके एलिवेशन एंगल्स मेजर किए। तो यहां पर अगर आप सॉल्यूशन बनाएंगे तो सेम वही सॉल्यूशन आने वाला है जैसे मैंने पिछले केस में मान लिया था, मैंने ये माना हुआ था ये पॉइंट मेरा मान लिया ओ है, इसके सामने मेरा कोई पॉइंट M है, ये पॉइंट मेरा इस बार N है और ये वाला पॉइंट मेरा T है, तो यहां पर भी वही केस है, ट्राइंगल सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा OMN, OMN और उसके बाद एक ट्राइंगल मेरे पास है O, M और T, दो ट्राइंगल मेरे पास है यहां पर सॉल्व करने के लिए। एक बच्चों को जरा कंफ्यूजन इसमें क्या रहता है मैं आपको बता दूं, कंफ्यूजन ये होता है जो ये आपके पास V है ये कहां तक होती है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखना जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट है यहां से शुरू होता है ये V, और ये V आपका जो लोअर लाइन ऑफ साइट है यहां तक चला जाता है V नीचे तक, जैसे प्रीवियस केस में अगर मैं दिखाऊं आपको तो नीचे वाली जो लाइन ऑफ साइट है आपकी यहां तक आपका V है, क्लियर। तो नेक्स्ट वाले केस में भी लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल है और जो नीचे वाली लाइन ऑफ साइट आपकी है वहां तक ये V है, तो जहां पर ये अल्फा 2 के साथ ये v है हमारा, ठीक है, हमारे फॉर्मूले में अल्फा 2 के साथ v है, आप किसी और कंडीशन में मान के v को डेराइव कर सकते हैं लेकिन जो स्टैंडर्ड डेरिवेशन होता है वो अल्फा 2 के साथ v को रख के मैं डेराइव कर रहा हूं। प्रीवियस किसी भी केस में चले जाएं, जो लाइन ऑफ साइट आपकी थी सेंट्रल क्रॉस हेयर की वहां से शुरू होता है ये और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट तक होता है, इसे हमेशा ध्यान रखना तो आपकी प्रॉब्लम में दिक्कत नहीं आई। कई बार आप क्या करते v को यहां से यहां तक मान लिया M से लेकर N तक और फिर उसके बाद फिर आपको कंफ्यूजन हो गया तो उससे आपकी प्रॉब्लम गलत हो सकती है, क्लियर। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद अगर मैं आपको यहां पर एक छोटा सा पॉइंट बताऊं, जो आपके पास पहला ट्राइंगल है OMN उसमें वही आप कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, OMN ट्राइंगल को आप कंसिडर कर रहे हैं और आपके पास आएगा यहां पर OMN ट्राइंगल से O, M और N ट्राइंगल से tan अल्फा 1 और tan अल्फा 1 आपके पास आएगा, परपेंडिकुलर कितना है यहां से लेकर यहां तक, आप कहेंगे सर ये परपेंडिकुलर बच रहा है v माइनस s, तो v माइनस s बिल्कुल सही है, डिवाइड बाय बेस कितना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस d, क्योंकि यहां से लेकर q तक की डिस्टेंस क्या है d, तो दिस इंप्लाइज दैट हमारे पास यहां से v माइनस s का जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू d tan अल्फा 1, पहला वैल्यू आ गया। इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं, इसके बाद दूसरा ट्राइंगल कंसिडर करने वाला हूं, दूसरा ट्राइंगल कौन सा है OMT, OMT ट्राइंगल में मेरे पास आएगा tan अल्फा 2,
ट्राइंगल ओ एम टी, जरा ध्यान से देखो ओ एम टी, टेन अल्फा टू, टेन अल्फा टू में आपके पास परपेंडिकुलर तो क्या होगा एम से लेकर टी तक की डिस्टेंस जो कि वी है, तो यहां पर वी अपॉन डिवाइड में बेस कितना है, बेस तो ओ से लेकर एम तक का ही दोनों ट्राइंगल का, तो यहां पर बेस आ जाएगा डी। तो दिस इंप्लाइज दैट मेरे पास यहां से क्या आने वाला है, यहां पर मेरे पास आ जाएगा v इज इक्वल्स टू डी टेन एल्फा टू। फिर से वही काम करने वाला हूं, v की वैल्यू वहां रिप्लेस करा देता हूं, v की वैल्यू जब मैं रिप्लेस करा दूंगा तो इस कंडीशन में, यहां पर मैं सॉल्व करके दे रहा हूं आपको, इस कंडीशन में v की वैल्यू को यहां रख रहा हूं और ये डी टेन एल्फा टू रखता हूं पहले, तो डी टेन एल्फा टू माइनस एस इज इक्वल्स टू डी टेन एल्फा वन, क्लियर। और यहां से अगर मैं d का वैल्यू सॉल्व करना चाहूं तो s को मैं इधर ले जाने वाला हूं, d को इधर ले जाऊंगा तो माइनस में आ जाएगा, तो tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा हो जाएगा, तो डिवाइड बाय tan अल्फा 2 माइनस tan अल्फा 1। तो कंडीशन वही है, बस अल्फा 2 अल्फा 1 क्या है, डिप्रेशन एंगल है, तो आपके पास अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 हो गया है। और प्रीवियस केस देखो जहां एलिवेशन का कंडीशन था वहां अल्फा 1 माइनस अल्फा 2 था, बस छोटी सी बात ये ध्यान रखना, लार्जर एंगल माइनस स्मॉलर एंगल, अगर अल्फा 2 बड़ा है तो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, अगर यहां पर जैसे यहां पर अल्फा 1 बड़ा था तो टेन अल्फा 1 माइनस टेन अल्फा 2, ये ध्यान रखना। तो s अपॉन टेन अल्फा 2 माइनस टेन अल्फा 1, ये हॉरिजॉन्टल, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपके लिए। और v का वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, आप कहेंगे सर v का वैल्यू तो अब सिंपल से निकाल सकते हैं, v बराबर क्या होता है आपके पास, आप कहेंगे सर v बराबर d tan alpha 2 है, तो v बराबर d tan alpha 2 है तो d का वैल्यू आ गया, तो वही आपका फॉर्मूला जो पहले बना था, बस माइनस का अंतर है tan alpha 2 माइनस tan alpha 1, और v बराबर क्या है d tan alpha 2, d की वैल्यू तो हमने रखवा दी है, s upon tan alpha 2 minus tan alpha 2 मल्टीप्लाई किया है tan alpha 2, मल्टीप्लाई किया है टेन एल्फा टू, तो ये वी की वैल्यू आई। तो एलिवेशन आप निकाल ही सकते हैं, एलिवेशन अगर आपको निकालना हो क्यू का, पी का गिवन होता है, पी का जो डेटम से एलिवेशन होता है ना, ये एलिवेशन आपको गिवन होता है, ये आर एल ऑफ पी भी कह सकते हैं आप, ठीक है। और फिर ये एच आपको नोट करनी होती है साइड पे स्टाफ को रखकर, तो एलिवेशन ऑफ पी में जब आप एच जोड़ देते हैं, एच जोड़ दिया तो आप इस ग्रीन लाइन पर आ चुके हैं, ग्रीन लाइन में से वी को घटा दें तो आप इस वाली लाइन पर पहुंच जाते हैं यहां पर टी पॉइंट पर, तो इसमें से वी को घटाने से आप टी पॉइंट पर पहुंच गए, लेकिन आपको चाहिए क्या, क्यू का एलिवेशन। तो ये जो हाइट होती है ना स्टाफ की, दिस इज आल्सो कॉल्ड आर स्टाफ रीडिंग, ठीक है, जो आपकी लोअर स्टाफ रीडिंग आई होगी वह आप इसमें से माइनस कर दो आर, तो इस तरह से आपके पास एलिवेशन आ जाएगा क्यू का, क्लियर। तो ये सेकेंड केस था। अब केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड में एक एंगल एलिवेशन का है और एक एंगल आपका डिप्रेशन का है, तो ये तो आपका इंक्लिनेशन और ये आपका डिप्रेशन, तो यहां पर आपको फिर से, यहां तो बड़ा सिंपल कंडीशन नजर आ रहा है मुझे, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है मेरे पास, ये मेरे पास इस बार बच रही है s माइनस वी, क्या बच रही है s माइनस वी, ये मैं o मान लेता हूं, ये मैं m मान लेता हूं, इस पॉइंट को मैं n मान लेता हूं और इस पॉइंट को मैं t मान लेता हूं, तो सबसे पहले ओ एम एन ट्राइंगल लेता है, ओ एम एन ट्राइंगल जब लेंगे तो टेन अल्फा वन हम कंसिडर करेंगे, टेन अल्फा वन बराबर मेरे पास आ जाएगा एस माइनस वी डिवाइड बाई डी, इसके बाद में ट्राइंगल कौन सा कंसिडर करता हूं, ओ एम और टी, ओ एम टी ट्राइंगल में टेन अल्फा टू लेते हैं, जब टेन अल्फा टू कंसिडर करेंगे तो ये देखो इसका एलिवेशन कितना है वी, इसका एलिवेशन कितना है वी, मैंने क्या कहा था लोअर वाली जो लाइन ऑफ साइट है उसका हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से हाइट है ये वी, हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ साइट से लोअर वाले की साइड, तो v का वैल्यू यहां पर परपेंडिकुलर की तरह एक्ट कर रहा है और v को ऊपर रखो और बेस कितना है, बेस तो d है ही, फिर से वही काम, v बराबर क्या आएगा d tan alpha 2, फिर से v का वैल्यू कहां रखा देंगे यहां पर, तो इस वैल्यू को अगर मैं यहां पर सॉल्व कर दे तो कैसे लिखा जाएगा, आप कहेंगे सर tan alpha 1 बराबर s माइनस v की जगह क्या लिख देते हैं, v की जगह लिख देते हैं d tan alpha 2, डी टेन एल्फा टू डिवाइड में कितना आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा d, क्योंकि ये है ना टेन एल्फा वन की वैल्यू लिखी है मैंने वहां पर, बस सिर्फ v का वैल्यू ये रिप्लेस करा दिया d टेन एल्फा टू, तो यहां से d को इधर ले जाएंगे तो आपके पास आ जाएगा d टेन एल्फा वन बराबर s माइनस d टेन एल्फा टू, तो इस तरह से आपने सॉल्व सॉल्यूशन बना लिया होगा, d का वैल्यू देखो इधर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, s इधर बचेगा और डिवाइड में चला जाएगा फिर टेन एल्फा वन प्लस टेन एल्फा टू, तो सिंपल है सॉल्यूशन, डी का वैल्यू आ जाएगा, तो डी का वैल्यू आने के बाद फिर किसका वैल्यू निकालना होता है डी के बाद, वी का फॉर्मूला क्या है, वही डी टेन एल्फा टू, तो वी बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, डी का वैल्यू रख देंगे उठाकर बस इस वाली इक्वेशन में, उस वाली वैल्यू को उठाकर इस साइड लाएंगे और उस फॉर्मूले में रखेंगे, तो एस अपॉन टेन एल्फा वन प्लस टेन एल्फा टू
मल्टीप्लाई बाई टेन अल्फा टू, जो कि इसके फॉर्मूले में तीनों में तीनों फॉर्मूले जो आपने पढ़े टेंजेंशियल मेथड के तीनों फॉर्मूले बड़े सिंपल है। टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू नीचे है, टेन अल्फा देखो पहले वाले केस में टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू है, बड़े एंगल में छोटे एंगल घट रहा है। दूसरे वाले केस जिसमें दोनों डिप्रेशन में थे टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन, यहां पर अल्फा टू बड़ा था अल्फा वन छोटा था तो बड़े में से छोटा ही घट रहा है। और तीसरे वाले केस में दोनों प्लस हो रहे हैं, जब एक एंगल एलिवेशन का हो डिप्रेशन का हो तो टेन अल्फा वन प्लस टेन अल्फा टू हो जाएगा, और अगर एक एलिवेशन का है सॉरी दोनों एलिवेशन के तो टेन अल्फा वन माइनस टेन अल्फा टू, और अगर दोनों डिप्रेशन के हैं तो टेन अल्फा टू माइनस टेन अल्फा वन, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर? तो ये आपका टेंजेंशियल मेथड है, इस पर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम बनाते हैं सबटेंस मेथड के लिए, सबटेंस बार मेथड आपके एग्जाम में। ये यहां तक टैकोमेट्री पार्ट थ्री है, 90% टैकोमेट्री ओवर है, 10% जो सबटेंस मेथड है उसका क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है, लेकिन उसको डिटेल में डिस्कस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर? ओके, जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, कमेंट बॉक्स में कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो टैकोमेट्री से रिलेटेड जरूर लिखना है। ओके?